तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में ही एक अपडेट आया हुआ है 15.5, तो इस 15.5 के अपडेट को आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं अपडेट कर चुकी होंगी और इसके बारे में जान चुकी होंगी कि क्या क्या पोषण ट्रैकर ऐप में बदलाव किया गया है। तो आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं 15.5 में एक अपडेट ये आया हुआ है कि एडोलसेंट गर्ल्स का ऑप्शन कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे शो नहीं कर रहा है और कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पे ये ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं पूरे भारत में जहां पर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जहां पे जिक्र किया जा रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में ये ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। जैसा कि हम आपको बताते चले कि जहाँ पर भी ये ऑप्शन शो कर रहा है उस क्षेत्र में उस डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाएगी जिसमें कि 14 से लेकर 18 वर्ष के जो भी किशोरी लड़कियां हैं उनके लिए योजना चलाई जाएगी और इसमें जो किशोरी लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी और भी कुछ जो ज़रूरी जानकारी है इससे संबंधित जो स्कीम है वो चलाया जाएगा। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं पूरे भारत के सभी राज्यों के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसका लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से रहती है, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जो लिस्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे फेज़ वन का ये लिस्ट है। यहाँ पे स्टेट का नाम दिया गया है और यहाँ पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा और जहाँ तक उम्मीद है कि पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविकाएँ हमारे इस वीडियो को देखती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग इस क्षेत्र में आते हैं तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो एडोलसेंट गर्ल्स का ऑप्शन है वो शो कर रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले नंबर पे जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि तीन ऐसे जो ज़िले हैं जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कडप्पा, विशाखापट्टनम और विजयनगरम। तो यहाँ पे तीन ज़िलों का नाम यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नासाई। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो असम है। असम में यहाँ पे सात ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिहार में देख लेते हैं बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बिहार में टोटल 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आकांक्षी ज़िले में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 13 ज़िले हैं बिहार में जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे में आप देख पाएंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 10 ऐसे ज़िले हैं जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है। उसके बाद आगे है गुजरात। गुजरात का 2 ज़िला यहाँ पे शामिल किया गया है। हरियाणा का 1 ज़िला यहाँ पे शामिल किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी 1 ज़िला यहाँ पे शामिल किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे 2 ज़िला का नाम यहाँ पर दिया गया है। और झारखंड में आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर झारखंड में 19 ऐसे ज़िला है जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर झारखंड में 19 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा राज्य है। यहाँ पे आगे है कर्नाटका। कर्नाटका में 2 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको यहाँ पे शामिल किया गया है। केरला में 1 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। उसके बाद आगे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुल जो डिस्ट्रिक्ट है वो 12 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ पे मैं सभी डिस्ट्रिक्ट का दिखा रहा हूँ कि कौन से स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है और इसी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इसी में ये योजना लागू होने वाली है और आपको वहाँ पे एडोलसेंट गर्ल्स का ऑप्शन शो होने वाला है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस डिस्ट्रिक्ट से अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को यूज़ करते हैं तो आपके पोषण ट्रैकर ऐप में ये ऑप्शन ज़रूर शो होगा, ठीक है।
उसके बाद महाराष्ट्र में चार ज़िला है, यहाँ पे आप देख पाएंगे चार ज़िलों का नाम यहाँ पे दिया गया है। मणिपुर में एक ज़िला का नाम यहाँ पे दिया गया है, मेघालय में एक ज़िला का नाम यहाँ पे दिया गया है, मिजोरम में एक ज़िला का नाम यहाँ पे दिया गया है और नागालैंड में एक ज़िला का नाम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद उड़ीसा है यहाँ पे, तो उड़ीसा में कुल 10 ऐसे ज़िले हैं जिसका नाम यहाँ पे शामिल किया गया है। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे पंजाब को देखेंगे तो पंजाब में 2 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। राजस्थान में आप देख पाएंगे, राजस्थान में 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद सिक्किम में 1 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे रखा गया है, तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। सभी का नाम मैं पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इन सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद तेलंगाना का यहाँ पे देखेंगे कि तेलंगाना में कितना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे रखा गया है, तो तेलंगाना में 3, त्रिपुरा में 1 और उसके बाद यहाँ पे आगे है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको 10 ज़िले ऐसे मिल जाएंगे जो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए गए हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे ज़िले हैं जिसको यहाँ पे इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया है। फेज 2 आपको दिखा देते हैं, फेज 2 में कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसको यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अलग से रखा गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरे भारत के सभी स्टेट में कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये एडोलसेंट गर्ल्स का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा और इन्हीं एडोलसेंट गर्ल्स का जो स्कीम है इन सभी डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हमने आपको पूरे भारत का लिस्ट दिखा दिया है कि जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल किए गए हैं। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने आंगनबाड़ी के ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस प्रकार की जो जानकारी है वो मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।